हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जो 12,000 से नीचे की कीमत पर उपलब्ध हैं और ये सैमसंग के इस रेंज के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हैं। तो शुरू करते हैं इस टेक टॉक को और देखते हैं कौन कौन से हैं सैमसंग के वो स्मार्टफोन्स। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, बहुत सारे बायर्स जो हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाइनीज स्मार्टफोन्स को उतना नहीं प्रेफर करते हैं और वो चाइनीज स्मार्टफोन्स को बाय नहीं करना चाहते हैं क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो आ जाता है। रिलायबिलिटी चाइनीज स्मार्टफोन्स की कंपैरेटिवली कम होती है और दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स से। तो इस ब्लॉग में मैं सैमसंग के उन स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जो 12,000 से नीचे की रेंज में उपलब्ध हैं और ये सैमसंग के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है इस रेंज के। शुरुआत करूंगा मैं तीसरे नंबर से। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो सैमसंग का स्मार्टफोन उपलब्ध है वो है सैमसंग गैलेक्सी M02S। ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी M02S, ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का HD प्लस इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले है सैमसंग का और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 है। 4GB रैम इसमें आपको मिलेगा, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। साथ ही जो रियर कैमरा है इसका वो एक ट्रिपल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें मैसिव है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है और ये चार्ज होती है 15 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M02S, ये हमारे इस लिस्ट में तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है और इसकी कीमत जो है वो 10,000 से भी कम है जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तब। इसकी भी परफॉर्मेंस जो है अच्छी है और ये इस रेंज का तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा स्मार्टफोन है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है सैमसंग का वो है सैमसंग गैलेक्सी M11। ये स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.4 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है और ये एक पंच होल डिस्प्ले है। दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 है। इसमें भी आपको 4GB रैम मिलेगा, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और इसका भी जो कैमरा है वो एक ट्रिपल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है और इसकी भी बैटरी 5000 mAh की है और ये चार्ज होती है 15 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। सैमसंग ने इसमें रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M11 हमारे इस लिस्ट में दूसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है और इसकी कीमत भी 12,000 रुपये से कम है। आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर जो स्मार्टफोन है सैमसंग का, ये इस रेंज का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। और इसकी जो कीमत है ये 12,000 रुपये से थोड़ी सी ज़्यादा है, 500-600 रुपये। और अभी कोई फेस्टिव सीजन नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं है ऑनलाइन, और ऑफ़र आते हैं जब तो इसकी कीमत भी 12,000 रुपये से नीचे चली जाती है। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A12, इसे मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो कैमरा लगा हुआ है रियर साइड का वो एक क्वाड कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और कंपैरेटिवली जो प्रोसेसर है इसमें लगा हुआ वो अच्छा है जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन है उनसे। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है MediaTek का हीलियो P35। डिस्प्ले इसका भी 6.4 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। 4GB रैम इसमें आपको मिलेगा और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। कैमरा इसका रियर साइड का क्वाड कैमरा है, प्राइमरी सेंसर जिसमें 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें भी 5000 mAh की है और ये चार्ज होती है 15 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है। तो इसके कैमरे के कारण और प्रोसेसर के कारण मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है। इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है 12,000 से, 500-600 रुपये ज़्यादा रहती है आमतौर पर, लेकिन ऑफर्स के दौरान, फेस्टिव सीजन्स के दौरान ये कीमत जो है ये कम हो जाती है 12,000 से। तो दोस्तों, ये थे सैमसंग के तीन स्मार्टफोन जिनकी कीमत 12,000 रुपये से कम है और ये इस रेंज के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग के। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।